सच का पहरेदार। सेठ किसान मोर्चा डोईवाला ने बैठक कर आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने पर अफसोस जाहिर किया और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में डोईवाला सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी गौरव चौधरी को सपोर्ट करने का फैसला लिया। डोईवाला गन्ना सोसाइटी के किसान सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसान सभा के जिलाध्यक्ष दलजीत सिंह ने कहा कि लखीमपुर में किसानों को रौंदकर मारने वाले और शहीद किसानों के गुनाहगार आशीष मिश्रा को कल कोर्ट ने जमानत दे दी है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को जमानत मिलना गुनाहगारों के हौसले बुलंद करता है। मैं फर्जी तरीके से भाजपा की साजिश रही, उसके तहत कल भी एक मीटिंग की गई, उसका हमारे बड़े नेताओं ने, गंगाधर नौटियाल जी ने, हमारे पूरे उत्तराखंड ने जो संयुक्त मोर्चा ने खंडन करा। ऐसी कोई संस्था नहीं है। हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, केंद्र से हम आदेश है, जो जिताओ कैंडिडेट है उसे जिताओ, उसी के तहत हमारे डोईवाला में हमने आया 3 प्रस्ताव पास किए हैं कि हमारा कांग्रेस का हमारा गौरव चौधरी जी हैं, उनको समस्त रूप से हम लोग समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो टहनी है, राज्य मंत्री के बेटे को जमानत दे दी गई इस मौके पर, तो हमें दुख हुआ है। और हमारा जो शुगर मिल में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ आज तक, उसके तहत हम लोग 16 तारीख को वहां पर धरना देंगे। बैठक को संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ताजेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के अंदर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसमें किसान विरोधी भाजपा सरकार को सबक सिखाने का अब हमें मौका मिला है। आप प्रयोजित करती है कुछ लोगों को, आपने दिल्ली में भी देखा है, किसान बना के भेज दिए भाजपा के लोग, वो पहले से लगी इस काम में। उन्होंने कल भी यही एक किया है, किसानों को एक संयुक्त मोर्चा बना के जो मीटिंग की है वो फर्जी मीटिंग थी। संयुक्त किसान मोर्चा के मैं अध्यक्ष के नाते में कहता हूँ, वो गलत तरीके से किया गया प्रचार है कल का, जिसकी हम निंदा भी करते हैं। कल की मैं कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष के नाते आज इस आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि संयुक्त मोर्चा को जो समर्थन दिया था उसमें आम आदमी पार्टी हमारे साथ में पूरे साल रही है, UKD वाले भी हमारे साथ में रहे हैं और कांग्रेस भी रही है और भी दल रहे हैं। तो वहीं सुरेंद्र खालसा ने कहा कि डोईवाला सीट पर भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए गौरव चौधरी को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए। बैठक का संचालन मोर्चे के संयोजक बलबीर सिंह ने किया। देहरादून में अभी तक है तो एक है, जिसके हमारे मुखिया हैं ताजिंदर सिंह ताजी, और जिसको चला रहे हैं वो संचालक जो हैं उसके, वो हैं सरदार बलबीर सिंह जी, जो शुरू से संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसमें सभी जो दल हैं किसान दल वो सब उसमें मिले हुए हैं। और देहरादून जिस संयुक्त मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई संयुक्त मोर्चा नहीं है, वो एक फर्जी संयुक्त मोर्चा BJP द्वारा तैयार किया गया अपने पक्ष में बयान दिलवाने के लिए। संयुक्त मोर्चा सिर्फ डोईवाला, उसका जो मुख्यालय है डोईवाला में है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट देहरादून को चलाता है वो संयुक्त मोर्चा डोईवाला में है। और आज संयुक्त मोर्चा डोईवाला जो है कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव चौधरी के पक्ष में यहाँ मीटिंग करके कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव चौधरी को समर्थन दे रहा है। और मैं टिकैत ग्रुप से हूँ, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा, और टिकैत साहब के हमें सख्त निर्देश हैं, जो BJP को हरा रहा हो उसको आप समर्थन दें। उनके निर्देशानुसार हम यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी गौरव चौधरी को समर्थन देने के लिए पूरा संयुक्त मोर्चा डोईवाला यहाँ इकट्ठा हुआ है। इस बैठक में कांग्रेस के डोईवाला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव चौधरी ने आकर किसानों को समर्थन का धन्यवाद किया और वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। डोईवाला से आशीष